झारखंड कैबिनेट से 1932 आधारित स्थानीय नीति को मंजूरी मिलने के बाद पूरे झारखंड में जश्न का माहौल है। उपराजधानी दुमका के ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी भी इससे अछूते नहीं है। दिसो मरांग बुरु युग जाहिर अखरा और ग्रामीणों ने हेमंत सरकार के कैबिनेट से 1932 खतियान स्थानीय नीति पास होने के मौके पर गोविंदपुर गांव में नाच गाकर जश्न मनाया और हेमंत सोरेन का शुक्रिया अदा किया। ग्रामीणों का कहना है कि जो नेता या पार्टी 1932 खतियान को मान्यता नहीं देती है और उसे समर्थन नहीं करती है, उन सभी नेताओं पार्टियों का आने वाले चुनाव में बहिष्कार किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं, हेमंत सरकार द्वारा कैबिनेट में 1932 खतियान को पारित किया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सभी जमा हुए हैं। और इनके साथ साथ कुछ मांगे भी है आपके संगठन का। हाँ, 1932 खतियान में स्थायी नीति के साथ साथ नियोजन नीति को भी लागू किया जाए, यही मांग है हम लोग का। और अनुबंध और ठेका को हटाकर जनता पर शोषण हो रहा है, इसलिए इसको हटा दिया जाए और सबको एक स्थानीय नीति, स्थायी नौकरी, स्थायी नौकरी मिले, सबको स्थायी नौकरी दिया जाए। हम लोग मरांगुरु अखड़ा की तरफ से 1932 का खतियान जो कैबिनेट में पारित हुआ है उसका हम लोग धन्यवाद देते हैं। यहाँ का मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं, साथ में ही जितना भी पार्टी या नेता 1932 के खतियान का समर्थन करते हैं उसको हम लोग धन्यवाद देते हैं। साथ ही यहाँ का जितना भी ग्रामीण जो 1932 के लिए लड़ते आ रहे हैं वो सब भी धन्यवाद का पात्र हैं। साथ ही जितना मीडिया बंधु है उन लोग को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं जो कि 1932 खतियान की लड़ाई को प्रमुखता से दिखाए। इसके साथ हम लोग यहाँ के राजनेताओं को ये कहना चाहेंगे कि आप लोग 1932 का खतियान का समर्थन करें, अन्यथा उसको अगले चुनाव में यहाँ की आम जनता उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। जो इसका विरोध करते 1932 का खतियान का विरोध करते हैं वो यहाँ झारखंड का तो निवासी नहीं हो सकते हैं, शायद वो लोग बांग्लादेशी हैं या बाहरी हैं। ऐसे नेता को चिन्हित करके हम लोग बहिष्कार करने का काम करेंगे। साथ ही यहाँ का जो नियोजन नीति बने वो 1932 का खतियान आधारित बने, लेकिन बने और जो यहाँ की झारखंड सरकार जितने भी बहाली निकलती है जो ठिका और अनुबंध में काम करवाती है जिसे युवाओं का शोषण होता है उसका भी हम लोग पुरजोन विरोध करते हैं। उसको अनुबंध और ठेका प्रथा को बंद करके उसको स्थायी नौकरी दिया जाए, यही हम लोग का मांग है।